हम हमारे प्लांट की गुड़ाई करके उसमें खाद दे रहे हैं। देखिए मेरे पास अभी कुछ गुड़ाई के लिए है नहीं, तो मैं यही कटर से गुड़ाई कर ले रहा हूँ। और मैंने इसमें थोड़ी सी मेरी वर्मी कंपोस्ट ऐड की है। देखिए ये वर्मी कंपोस्ट है, और मैं थोड़ा थोड़ा इसमें ऐसे ही डालते जा रहा हूँ और मिला ले रहा हूँ। देखिए ये प्रॉपरली ऐड हो जाएगी इसमें, तो ये मिट्टी के साथ ऐसे ही मिल जाएगी। तो आप भी हर 15 दिन में ध्यान रखें कि आपको अपने प्लांट्स में वर्मी कंपोस्ट ज़रूर देना है, ताकि आपके प्लांट्स भी न्यूट्रिशियस रहें पूरे और अच्छे से ग्रो करें। हमारे टमाटो प्लांट है, अब मैं हमारे दूसरे क्यूक्यूम्बर प्लांट में थोड़ा सा खाद दूंगा। और हमारे क्यूक्यूम्बर प्लांट्स में देखिए ऐसे खाद दे देंगे। गुड़ाई मैंने पहले ही कर दी थी क्यूक्यूम्बर प्लांट्स में, तो ये प्रॉपरली अच्छे से ऐड जाएगा। डायरेक्टली मैं इसे दे दूँगा ऐसे। थोड़ा सा ऊपर नीचे हम मिट्टी कर देते हैं। देखिए इधर थोड़ी सी गीली मिट्टी है, तो अच्छे से मिल भी जाएगा इसमें खाद। ये देखिए, तो मैंने जैसे आपको बताया कि हर 15 से 20 दिनों में अपने प्लांट्स में खाद ज़रूर दें, इससे प्लांट्स का न्यूट्रिशन जो रिक्वायर्ड है वो पूरा होता रहता है, प्लांट्स की ग्रोथ बनी रहती है। देखिए ये है हमारी यूज चाय पत्ती, इसको हम भी एज अ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको भी मैं ऐसे यूज्ड वाली जो चाय पत्ती है इसको भी मैं अपने खाद के रूप में यूज़ करता हूँ, और ये बहुत ही अच्छे नाइट्रोजन का सोर्स देती है हमें। आप ध्यान रखें कि आप फ्रेश चाय पत्ती ना यूज़ करें, उसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन रहता है, तो जिससे प्लांट मर सकता है। तो मैं ऐसे यूज चाय पत्ती इतनी सी लेके थोड़ी सी ऐसे अपने प्लांट्स में छिड़क देता हूँ। देखिए ऐसे थोड़ी सी, सिमिलरली मैं ये इसे मेरे करेला के प्लांट में भी थोड़ी सी छिड़क दूँगा, थोड़ा सा टमाटो प्लांट्स में भी मैं। तो देखिए ऐसे थोड़ी सी हम डाल देंगे, इससे क्या है इसकी जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। और ध्यान रखें कि आप ये यूज चाय पत्ती धो के यूज़ करें, तो जो यूज वाली चाय पत्ती हमारी निकलती है घर में उसको थोड़ा सा धो लें, वॉश कर लें, ताकि उसके अंदर की जो शुगर कंटेंट है वो निकल जाए। उससे भी प्लांट को हार्म हो सकता है, आपके प्लांट को चींटियाँ लग सकती हैं। थोड़ा सा मैं कड़ी पत्ता में भी ऐड कर दूँगा, ये बहुत ही अच्छा सोर्स है, तो हमारे प्लांट्स को बहुत बेनिफिट मिलेगा। ऐसे ही मैं आपको बहुत ही अच्छे घर के नुस्खे बताता रहता हूँ हमारे गार्डनिंग ब्लॉग सीरीज़ में, और अलग से मेरे चैनल पे भी बहुत सारी टिप्स एंड ट्यूटोरियल्स के गार्डनिंग रिलेटेड वीडियोस डले हुए हैं और कुकिंग रिलेटेड भी, तो आप उन्हें ज़रूर फॉलो करें। और आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @gardeningpoetry पे या फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं सबका जवाब देता हूँ। तो आप मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे भी, और यहाँ पे भी सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, ताकि आप भी अपने घर में ऐसा प्यारा सा एक गार्डन बना पाएँ छत पे या अपने घर में। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी थोड़ी सी सॉफ्ट प्रूनिंग कर दी, क्योंकि इस पे थोड़े इंसेक्ट्स लग गए थे, मैंने आपको बताया था, और मैंने खाद तो दी थी इसमें ऑलमोस्ट, फिर मैंने इसकी प्रूनिंग की। देखिए इतनी सारी लीव्स मैंने कट करी हैं, और मैंने 2-3 जो टोमेटो प्लांट्स हैं यहाँ से शिफ्ट कर दिए हैं, ताकि वो इसको ग्रो करने के लिए अच्छे से अपॉर्चुनिटी दें। अब थोड़ा सनलाइट डायरेक्ट सन यहाँ पे जाएगी अंदर, तो इसको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। तो मैंने थोड़ी सॉफ्ट प्रूनिंग की है, बाकी मैं करेले की भी थोड़ी सी सॉफ्ट प्रूनिंग और करूँगा, ताकि इसमें हेल्प हो। आप भी ऐसे सॉफ्ट प्रूनिंग थोड़ा अपने गार्डन की साफ़ सफ़ाई करते रहें। देखिए मैंने थोड़ी सी झाड़ू भी लगाई है यहाँ पर, तो साफ़ सफ़ाई करते रहें तो आपका गार्डन बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अच्छा रहेगा। आप भी ऐसे टिप्स फॉलो करें, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।